हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीष यूट्यूबर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं अमूल जो कि खबराव जी के पास में पड़ता है, और आज हम आपको दिखाएंगे कि अमूल एक ऐसी जगह, बहुत ही प्यारी जगह है। तो देखकर बताना आप लोगों को कैसी लगती है, और पसंद आए तो लाइक शेयर और हमें सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। चलिए, रात की वीडियो है जो GoPro से शूट होने वाली है। हम शूट कर रहे हैं आज GoPro से, जो कि हमने नया मंगवाया है अभी GoPro Hero 7 Black से। बताइए आज इसकी क्वालिटी हमको कैसी नज़र आती है। चलिए चलते हैं। तो भाई हम निकल चुके हैं मोरोली, बांध की तरफ, जहाँ पर जगह का नाम है अमूल। और मुझे पता नहीं कि आवाज़ कैसी आ रही होगी, क्योंकि इसमें अभी मैंने माइक नहीं जोड़ा है। के अंदर किसी को भी जिम की जरूरत हो तो संपर्क कर सकते हैं इनसे आप। नंबर में आपको समोसे प्रोग्राम है, देखो समोसे लेके आए हैं, बहुत बढ़िया बंटी के फेमस समोसे हैं। दूसरा शहर के सबसे फेमस समोसे लो, आप तो लो। तो भाई ये समोसे का पूरा लुत्फ उठा रहे हम, देखो। और ये सब इनकी बदौलत। ये तो यार ना, क्या मसाला डालता है, क्या डालता है इसको, समोसा लगता है टेस्टी है ना, तब तो इतने बेस्ट लगेंगे। भाई ये देख लो, ये बिल्कुल शानदार जगह है, ये जंगल दोनों तरफ, खेत ही खेत है, जंगल अभी चालू नहीं हुए। और ये हमारे राम मस्ती करते हुए तो भाई हम निकल चुके हैं यहाँ से, जा रहे हैं पापड़दा से निकल चुके हैं यहाँ पे। सब भाइयों ने समोसे खा लिए, मज़ा आ गया समोसे खा के बड़ा। और अब यहाँ से निकल के अब जाने सीधा अमूल के लिए, अब वहाँ का जो भी होगा हम आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं आगे। लो भाई निकल चुके हैं यहाँ से, विक्रम को राहुल को विक्रम को राहुल को वादिया एकदम शानदार वादिया थोड़ा भाड़ी कर रखा है जमींदार विक्रम दो यार को सुन पे भाई। ये देखो हम जहाँ जा रहे हैं मोरोली के बालाजी, जो हम अमूल जगह जो मैंने आपको बताई है उसके पास में ये जगह पड़ती है। ये हमारे यहाँ पास के शहीद भाई फौजी भाई के नाम से, अमर शहीद घनश्याम गुर्जर के नाम से ये स्मारक बनाया जा रहा है। उन्होंने देश के लिए जो अपने लिए प्राण त्यागे और पूरे दौसा ज़िले का नाम रोशन किया है, तो ये उनका ये बन रहा है। देख लीजिए आप ये स्मारक, उन्हीं की
याद में यहाँ लिखा हुआ है शहीद स्मारक अमर शहीद घनश्याम गुर्जर सशस्त्र सीमा बल के जवान थे, वो शहीद हो गए थे। तो भाई पर अभी बन ही रहा है ये। बालाजी का मंदिर है और हम आ चुके हैं बालाजी के मंदिर में। लोगों की भीड़ बनी रहती है, भीड़ रहती है लेकिन कभी कभार रहती है, शनिवार और उसमें ज़्यादा रहती है भीड़। हाँ भाई ये सीढ़ियाँ हैं, देखो ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत है।
बांध आएगा, घोड़े को बांध आएगा, उसका बांध आएगा, बहुत कुछ बाबू भी देखने लायक है। मैं कुछ रोक नहीं रहा मैं। यार तू वहाँ पे आके डांस करे, सुन ले मेरी बात। भाई ये देखो, ये हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, मेरे पूरी जगह जाना बह रहा है यहाँ पे। मेरी बैटरी लो होने की वजह से क्या है कि मैं ये शूट नहीं कर पाया, लेकिन जाते वक्त मेरी कोशिश है कि मैं आपको पूरा सीन दिखाऊंगा। देखिए इधर प्यारे खजूर के पेड़ लगे हुए हैं और ये पूरा मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर भी शिव जी का मंदिर है ये, भोलेनाथ का। आते वक्त मैं दिखाता हूँ, अभी आगे चलते हैं। भाई आज काफ़ी रश है इस जगह पर, बारिश बहुत है, बारिश होने की वजह से और मौसम बड़ा सुहावना से पूरा भरा हुआ है इस जगह। हमें हर जगह भीड़ मिली है, मेरी बैटरी लो हो गई थी, वरना मैं आपको और भी दिखा था इसमें। तो भाई अब चल रही है यहाँ से और अब जा रहे हैं बांध की तरफ, आपको दिखाएंगे बांध का नज़ारा। और पता नहीं यार वही सच्ची आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन अब सब भाई लोग मस्ती से देखो फोटो वगैरह शूट करने में लग रहे हैं। सीनरी जगह एक से बढ़कर एक, भाई पेड़ टूट सकता है ये चारों के वजन से, पेड़ गिर जाएगा पीछे ज्यादा जोर लगाओगे तो। नहीं गांव का रहेगा तो उठा तो लेगा, जितेंद्र जी गाँव बहुत ही प्यारा हो रहा था और हल्की हल्की बारिश तो रुकी ही नहीं है ये मान लो आप। सब लोग घूमने का बड़ा आनंद उठा रहे हैं। हाँ आकर आएंगे, देखो पूरा पहाड़ ऊपर तक देखो आप, पहाड़ों पर पहाड़ों के अंदर से गिरे हुए हम, चारों तरफ से गिरे हुए हैं। दूर दूर से जब देखोगे तो इसमें जूम नहीं होता, बस यही कमी है। देखो हाँ जी साहब, बिल्कुल प्रकृति की गोद में, प्रकृति गोद में फुल आनंद लेते हुए। भाई देखो यार क्या जगह है, मज़ा आ गया इस जगह का पूरा। भाई देखो ये हम आ गए हैं मोरोली बांध, जो पहले हम गए थे मोरोली बालाजी, उसके बाद गए हम मोरोली अमूल जगह पड़ती है और अब आए हम मोरोली बांध में। तो ये आप देख सकते हैं पूरा चारों तरफ बांध है, ये चारों तरफ भरा हुआ है। ये अभी ऐसे में इतना ज़्यादा पानी आया नहीं है, बाकी ये पूरा फुल हो जाता है, ये जो दीवार बनी हुई है फुल हो जाती है और फिर यहाँ से सप्लाई की जाती है आसपास के गांवों के लिए। जगह के हिसाब से लोग अब यहाँ पे आते हैं एंजॉय करने के लिए, आप भी आ सकते हैं एंजॉय कर सकते हैं। देखो यहाँ फुल आया निकल रहा है, फुल चीज मस्ती मार रहे हैं और ये पूरा देख सकते हो आप, पूरा डैम भरा हुआ है। आगे जो आप देख रहे हैं पूरा आगे तक का पूरा मोरोली डैम है। ये
जहाँ जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वहाँ वहाँ पर पूरा चारों तरफ से ये भरा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि अभी इतना ज़्यादा बारिश हुई नहीं है, बाकी आज तो फिर भी मौसम अच्छा था, ठंडा था इसलिए, लेकिन बारिश की वजह से ये कम ही बांध भरा है, नहीं बांध बहुत ज़्यादा भर जाता है। जगह बहुत अच्छी है दोस्तों, आपका पैसा वसूल हो जाएगा अगर आप घूमने आओगे तो, मान लो बहुत ही प्यारी जगह। आई तुम कहो ना कब तक।